दोस्तों, क्या हाल चाल है? मेरा नाम विनोद कुमार और आप देख रहे हैं एडवेंचर विद विनोद। तो यार अभी बाल हो गए ख़राब क्योंकि मैंने भी थोड़ी देर पहले हेलमेट लगाया था। और गुड मॉर्निंग, बहुत ठंडी ठंडी हुई है एकदम। देखो ग्लव्स वगैरह पहन के, जैकेट वगैरह पहन के। तो यार हमारे चंडीगढ़ की ठंड ऐसी पड़ती है। तो चलो फिर आज आपको मैं मिलाता हूँ एक नई चीज़ से। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी इस टाइम मैं खड़ा हूँ अपने इधर पुल पे। यहाँ मैं बहुत सारे रिव्यू वगैरह करता रहता हूँ। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं वो चीज़ क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, पेश है आपके लिए मीना 250। ये जस्ट अभी हाल ही में हमारे एक फ्रेंड और सब्सक्राइबर ने ली हुई है और मैंने कहा चलो फिर मैं इसका रिव्यू करूँगा आपके बाइक का। और कुछ मैंने भी थोड़े से इसकी जान पहचान लेनी थी और जानकारी लेनी थी, तो फिर मैं कहा कर लेते हैं इसका रिव्यू। तो फिर मिलते हैं आपको इसके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इस बाइक में डोमिनार 400 से कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, बस थोड़ा सा फ़र्क है इंजन का। और इसकी हेडलाइट भी बिल्कुल डोमिनार 400 जैसी ही है करीब करीब। इसके थोड़े सस्पेंशन में देखने में थोड़ा सा मतलब साइज़ का कम ज़्यादा लग रहा है, और बाकी सब कुछ करीब करीब ही है। इसका मीटर भी करीब करीब ही है सेम। इसमें सब कुछ अंदर फीचर और फंक्शन भी करीब करीब सेम ही है, और टैंक वाला मीटर भी एक जैसा ही है। बस थोड़ी सी इसकी पावर में थोड़ा सा डोमिनार 400 से थोड़ा सा कम है, और कम हो भी ना क्योंकि वो 400 और ये 250 टायर भी अच्छे वाले दे रखे हैं। अलॉय भी थोड़े से उससे और इसमें डिफरेंट है। साइलेंसर भी बिल्कुल सेम टू सेम है, आवाज़ बहुत अच्छी है, और इंडिकेटर भी सेम टू सेम दे रखे हैं KTM जैसे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। टेल लैम्प भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, चेन सेट और चेन वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। बाकी क्रैश गार्ड और कलर में यार इनको थोड़ा सा कलर में बेकार लगा। कलर इनको थोड़े और बना के देने चाहिए थे। इसमें दो ही कलर आते हैं, रेड और ब्लैक। जैसे उसमें ऑप्शन है ग्रीन का, तो ग्रीन वगैरह भी देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ग्रीन वगैरह दे नहीं रखा। तो जैसा भी है, कुल मिला के वैसे बाइक काफ़ी अच्छी है। इसमें ड्यूअल ABS लगा हुआ है, और ABS से मतलब काफ़ी बाइक स्लिप ज़रा से भी नहीं होती, बहुत कम ही स्लिप होती है। मतलब कि 100 में से अगर कहो तो 99% बार स्लिप नहीं होती है, ठीक है। और इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, यहाँ पे DTSI का लोगो और काफ़ी अच्छा क्लच, और ये है ऑयल कूल्ड है। तो आज हम फर्स्ट टाइम चला रहा है ये वाली बाइक, और मैं अभी बता दूंगा आपको। आपने वैसे इसकी शक्ल देख ही ली होगी इस वीडियो में कि कौन सी बाइक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी बाइक है। तो वैसे 50 पर इसकी आवाज़ मेरे कैमरे की तो शायद ही आएगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। और ये मैं चला रहा हूँ आज डोमिनार 250, जैसे कि मैं एक छोटी सी टेस्ट राइड ले रहा हूँ, और काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस का मुझे उम्मीद है इससे। और इसका स्लीपर क्लच क्या करता है, जैसे क्लच लिए बिना गियर डाउन,
इसमें एक स्लीपर क्लच नाम की चीज लगी हुई है। एबीएस भी तगड़ा काम कर रहा है और मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा नवे नवेले बंदों की तरह चला रहे हैं इसको। वैसे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको चला के। ये है डोमिनार 250 और इसको हम रोकेगा पुल पे और कुछ करेंगे इसके बारे में बातचीत। तो फिर मैं फिर से एक बार चलने वाला हूँ इस बाइक पे और अब हमारी चाय की टाइम हो गई है और हमने इसको एक बार यहाँ तक टेस्ट राइड के लिए ले आया। काफ़ी पिकअप वगैरह दिखा रही है। अच्छा और स्टैंड भी काफ़ी अच्छा दे रखा है। स्टैंड काफ़ी ज़्यादा मजबूत स्टैंड है। और आरपीएम 1000 पे लॉक है, 10000 पे लॉक है और एक फर्स्ट गियर में है। काफ़ी अच्छे से चला के अच्छा मज़ा आ रहा है। और पिकअप भी काफ़ी इसका दमदार है, ठीक है। और इसमें टोटल पड़ते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये टोटल 6 गियर वाली है, जैसे KTM 4 उसमें देव उसमें डोमिनार 400 में आता है, बिल्कुल 6 गियर उसी की तरह पड़ते हैं इसमें भी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी करीब करीब इसमें 12 लीटर आती है जो कि काफ़ी अच्छा दे रखा है। और इसमें बस मुझे एक ही चीज़ इसमें ज़्यादा बेकार लगा कि इसमें थोड़े कलर और ग्राफिक्स वगैरह और अच्छे देने चाहिए थे, जैसे कि लोगों को थोड़ा और ऑप्शन और चॉइस मिल पाता। तो वो बहुत ज़्यादा कलर ग्राफिक्स नहीं मिल पाएंगे आपको इसमें, मैट ग्रे और ब्लैक और रेड ऐसे कुछ 3-4 कलर मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको हमारा रिव्यू देख के अच्छा लगा होगा। वैसे कोई रिव्यू नहीं है, कोई डिटेल वो नहीं है, सिर्फ उसके लिए छोटी सी वीडियो थी आपके लिए कि हमने नई बाइक ली है, आपको पता लगना चाहिए कैसे है। फाइनली अपनी वीडियो का एंड हो चुका है। और कैसी लगी बाइक और कैसा लगा उसका रिव्यू बताना कमेंट करके। वैसे तो काफ़ी कोशिश की अच्छे शॉट और अच्छे वीडियो दिखाने के लिए, अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो लाइक डिसलाइक आपके ऊपर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल कर लो सब्सक्राइब। बाय बाय।